अगर आपको रात में सोते समय नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है, दवाइयां सालों से खा रहे हैं, दवाई खाने के बावजूद भी आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, रात को सोते समय आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उन थॉट्स को लेकर परेशान रहते हैं, आप सोने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको ऐसी घरेलू चीज बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप घर पे ही अपने नींद की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रोशन कुमार, आपका हेल्थ वेलनेस कोच। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप नींद की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, GV20 पॉइंट, इस वाले भाग को जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, इस वाले भाग को आपको 10 से 15 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज और 10 से 15 सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करना है और 10 से 15 मिनट के लिए करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में आपको जीरा के साथ गर्म पानी का भाप लेना है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद, हालांकि ये दो स्टेप कंप्लीट करेंगे तो इसी से आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होने लगेगी, इसके साथ आप लोअर लेग हॉट वाटर मशीन की थेरेपी भी कर सकते हैं। एक बकेट लेना है, बकेट में आपको पानी डालना है, पानी का टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री रहेगा और उसमें पैर डुबोकर आपको बैठना है और ये 30 मिनट तक बैठना है। अगर ये करते हैं तो अगर आपको सर में दर्द है तो सर दर्द से आपको तुरंत ही रिलीफ देगा। बीपी भी अगर इंक्रीज है आपका तो बीपी कंट्रोल करता है ये थेरेपी, लोअर लेग की थेरेपी है, तो इससे आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप सरसों तेल से मसाज कर सकते हैं, तलवे की मसाज करेंगे तो इससे भी आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाता है। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, टेंशन में हैं, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको मसाज देना है। थोड़ी देर मसाज दीजिए, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट मसाज देंगे तो इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद जो है आप ये हॉट वाटर मशीन की थेरेपी भी ले सकते हैं, इससे भी आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये जो सारा ट्रिक आपने अभी देखा समझा, ये सब कुछ घर पे करने वाला है। अगर आप मिट्टी पे 1 से 2 घंटे डेली चलते हैं तो आपको नींद की प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो खत्म हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी चल रहे हैं तो आपको नींद की प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 1 से 2 घंटे मिट्टी पे चलने की, मिट्टी पे बैठने की, लेटने की। आप ये चीज आप करके देखिए, आपको रिजल्ट पहले दिन से देखने को मिलेगा। इसके साथ आप DIP डाइट फॉलो कीजिए। DIP डाइट हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, जो बीमार है वो भी और जो बीमार नहीं है वो भी। जो बीमार है वो ठीक हो जाएंगे, जो बीमार नहीं है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो DIP डाइट फॉलो कीजिए। DIP डाइट की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डाइट फॉलो कीजिए। अगर और भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।